हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राजपूती पोशाक में लहंगे की कटिंग करना बताने वाली हूँ, जो कि एक बॉर्डर वाला लहंगा है, बॉर्डर वाला कपड़ा है, जिसे आप किस तरह से कलियों वाला लहंगा और मगजी वाला लहंगा बना सकते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा पास जो कपड़ा है वो मेरे पास 2 मीटर है, जो हमने काटा है, मगजी का निकाल लिया है हमने, उसके अलावा 2 मीटर है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ हाइट ज़्यादा है तो आपको ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 2.5 मीटर कपड़ा आप लेंगे, यानी टोटल आपके पास 3 मीटर कपड़ा चाहिए। इस लहंगे की कटिंग में थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट चला जाता है, तो इस हिसाब से देखिए, हमने डबल फोल्ड कर लिया इस कपड़े को। हमने लहंगे की जो नाप ली है वो 38 इंच है। 38 इंच में से मगजी और ऊपर चीन का निकालने के बाद हमें 35 3 इंच कम कर लेना है, यानी कि 35 इंच हमको इसका लेना है लंबाई। अब हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कर लिया है, जैसे हमने पहले डबल फोल्ड कर ही लिया था उसके बाद उसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद एक और फोल्ड कर देंगे, मतलब 4 कलियाँ आगे की निकलेगी और 4 ही कलियाँ पीछे के लिए होगी। ये इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया उसको, 4 कलियाँ आगे के लिए निकलेगी, 4 पीछे के लिए, यानी 8 कलियाँ निकलेगी। अब हमारी जो कमर थी वो 36 इंच थी, उसका हमने चौथाई किया है, तो उसका चौथाई जो है 4.5 इंच होगा। 36 का आगे का हिस्सा हो जाएगा 18 इंच, पीछे का भी हो जाएगा 18 इंच। अब 18 इंच में हमें 4 कलियाँ बनानी है, आगे के लिए 4 कलियाँ हैं, तो 18 इंच में 4 कलियाँ बनाएंगे तो 4.5 इंच होगा हमारे पास, एक कली जो है 4.5 इंच होगी। अब इसमें दोनों साइड सिलाई भी लगेगी और एक चुनट भी आएगी, उस हिसाब से हम उसे 6 इंच ले लेंगे। अब देखिए किस तरह से निकालना है। हमने जब फोल्ड किया इस कपड़े को तो 9 इंच 9.5 इंच थी, तो हमें दोनों तरफ से बराबर बराबर निकाल लेना है, यानी 1.5 1.5 इंच दोनों तरफ से निकाल के बीचों बीच हमने इसे 6 इंच कर लिया है। अब जहाँ हमारा बॉर्डर शुरू होता है हमें बॉर्डर तक नहीं काटना है, बॉर्डर को बिल्कुल भी नहीं काटना है, उसके ऊपर तक हम इसे छोटी छोटी सी कलियाँ निकाल लेंगे। ये इस तरह से ऊपर ऊपर तक काट लेंगे, बॉर्डर तक नहीं काटेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम काट लेंगे। ये 1.5 1.5 इंच ही था हमारे पास। अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा है, 2.5 मीटर होना चाहिए वैसे इस तरह से लहंगा काटने के लिए, अगर आपको घेर अच्छा खासा चाहिए तो 2.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए और मगजी का अलग होना चाहिए 2.5 मीटर के अलावा। उस हिसाब से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद दोनों साइड से जितने आपकी कली है वो बीचों बीच रख लेंगे और दोनों साइड से छोटी छोटी सी कलियाँ जो है वो वेस्टेज कपड़ा है उसे निकाल लेंगे, और इस तरह से आपकी कलियाँ बनेगी और इस तरह से जुड़ेगी ये कलियाँ नीचे। इसमें मगजी आपको 6 इंच काटनी है, चौड़ाई में 6 इंच की मगजी लगेगी और ऊपर चीन लग जाएगी इसमें, तो ये आपका लहंगा बना बनाया 38 इंच हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।